निकले हुए कितना समय हो गया आपको? लगभग 7-8 मिनट। तो कितना परसेंट फायदा ईमानदारी से बता दो यहाँ पर? 40% फायदा है, आराम मिला है। हाँ। और जो परेशानी आपको कितनी साल पुरानी थी? लगभग 7-8 साल। 7-8 साल पुरानी समस्या। हाँ। और आपको दिक्कत थी आपको? मुझे उल्टी आती थी, खाना नहीं खाता था, और ना खाऊं तब भी उल्टी आती थी, और मतलब दिमाग में गलत विचार आते थे बहुत। मैं एक साधारण बाबा हूँ, जादू टोना का विशेषज्ञ, चलते फिरते कहीं भी जादू टोना का इलाज कर सकता हूँ, वो भी गारंटी का परफेक्ट, जो कि मेरी जानकारी के बारे में आप पूरा चैनल पर देख सकते हैं। ये मेरे पीछे पीपल है और वो मेरी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे को जो है मेरी बाइक ठाड़ी हुई है, और मैं एक यहाँ साइड चल रही थी, भैया आए थे जलेसर से और इनको काफ़ी अधिक परेशानी थी, और इनका इलाज मैं कहा कहीं अपने अड्डे पर जाऊँगा या समझे यहीं इनका इलाज कर देता हूँ, तो इनका मैं इलाज यहीं पर कर देता हूँ जादू टोना का। ये देख रहे हैं खाली खाली पड़े खेत हैं, और मैं मरीज के घर पर ही जाकर के इलाज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इनको टोना खिलाया पिलाया गया है, अब देखते हैं इनके संग क्या होता है। हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल DS फास्ट ब्लॉग। भैया आज के इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, हमारे पास ये भैया आए हैं जलेसर से। जलेसर से भैया? जलेसर से आया हूँ मैं। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? मुझे उल्टी आती थी, खाना नहीं खाता था, और ना खाऊं तब भी उल्टी आती थी, और मतलब दिमाग में गलत विचार आते थे बहुत। और तो मतलब डॉक्टर इलाज कराया तो आपने, फिर उससे क्या हुआ? काफ़ी कराया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, बिल्कुल मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं था, परेशान भी हो जाता था, दवाई होते कुछ तो। अब हमारा तुम्हारे यहाँ आने के लिए पता का कैसे मिला हमारे पास आने के लिए? वीडियो देखी थी सर आपकी, DS फास्ट ब्लॉग का। अच्छा, वीडियो देखी थी। मतलब जो हमने जो अपने वीडियो में दिखाया है सब वही है या कुछ अलग है? सब वही है। वही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। और एड्रेस कैसा, एड्रेस बता दो हमारे यहाँ आने का आप एक बार, कैसे कैसे एड्रेस? अलीगढ़ में सीता वो सूतमिल चौराया, सूतमिल चौराहे से कौन सा प्लाजा है, क्राउन प्लाजा होटल के सामने प्लाजा होटल। दोस्तों पहले तो हमारा एड्रेस मैं बता देता हूँ, भैया बाहर के इनको ध्यान नहीं है, हमारे यहाँ का एड्रेस है UP अलीगढ़, अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर आगे सूतमिल चौराया, खैर रोड बाईपास, नगला कलार। नगला कलार पर जाएंगे आप तो वहाँ एक हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर के बराबर हनुमान जी बैठे हुए हैं, वहाँ एक हेडपम्प लगा हुआ है, वहीं आकर के आप किसी से पूछेंगे तो आपको हर एक कोई बता देगा सोनू बाबा के यहाँ जाना है या सोनू टेंट वाले के यहाँ जाना है। मेरा टेंट का बिजनेस है दोस्तों, आपके लिए सही बता दूँ, ये मैं एक बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ, मुझे गुरु जी ने जो सिखाया है वो सब आपकी सेवा के लिए है, और जो मुझे ज्ञान है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को ज्ञान अपना मैं शेयर करता रहता हूँ, आप हमारे चैनल का लाभ उठा सकते हैं, और हमारे यहाँ निःशुल्क इलाज है, कोई चार्ज नहीं है, आपकी खुशी है जो भी है। तो भैया आपके ये टोना निकला है उसको दिखाना एक बार, क्या निकला है आपके अंदर से? और किसी के कुछ निकलता है, किसी के कुछ निकलता भाई, और आपको बता दूँ ये टोना जो होता है 1% ही होता है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं लगभग 100 लोग आते हैं, 100 में से एक ही लोगों को होता है, बाकी को हम मना कर देते हैं भाई टोना नहीं है आपके, टोना की गलतफहमी में रह करके अब वो अपना डॉक्टर इलाज भी नहीं करा पाते हैं। और इनके जो लग रहा है एक फांसी का फंदा बना हुआ और बिल्कुल गला हुआ धागे की कंडीशन, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका ये देख रहे हैं आप, देखिएगा इस तरीके से 7 गांठें हैं और इसमें गांठों में से कुछ भी नहीं है, और ये फंदा था, मतलब इस फंदा इस तरीके का टोना जो किसी का निकलता है फंदे वाला, तो ये एक आत्महत्या कराने का प्रतीक होता है, ये टोना हर किसी के इस प्रकार का नहीं निकलता जो भैया का निकला है। तो भैया ये टोना निकले हुए कितना समय हो गया आपको? 7-8 मिनट। तो कितना परसेंट फ़ायदा ईमानदारी से बता दो यहाँ पर? 40% फायदा है, आराम मिला है। हाँ। और जो परेशानी आपको कितनी साल पुरानी थी? लगभग 7-8 साल। 7-8 साल पुरानी समस्या। हाँ। और आपको दे 40% आराम है, और ज़्यादा कुछ किया नहीं, खर्चा कितना आया आपका, सामान कितना क्या क्या लेकर के आए आप? मैं लगभग चलनी लौंग कपूर और छाछ लेके आया था, और काली मिर्च भी, काली मिर्च भी लाया था, ये 10-10 रुपये का आइटम लाए थे, 10-10 रुपये का आइटम लाए, 70-80 रुपये का सामान आता है, 70-80 रुपये का सामान है जो सामान आता है दोस्तों, बस कोई खर्चा नहीं है, बस आपको आने जाने की परेशानी है। मतलब आपके परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा है, या घर की बंदिश, या रोजगार की बंदिश, या सिर की बंदिश, किसी प्रकार की बंदिश भी आपके घर में कर दी गई है, वो भी हमारे यहाँ परफेक्ट गारंटी का इलाज है, या कोई भी सवारी है, या कोई भी भूत प्रेत की बाधा आपके घर में किसी के ऊपर है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों, मेरे चैनल पर पुराने वीडियो देखें, नए वीडियो देखिएगा, और आपको इलाज करते हुए दिखेंगे हम। और पहले हमारे गुरु जी थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, और हमारा पुराना वीडियो देख रहे होंगे आप, पुराने वाले स्थान
फिर ना जाइएगा दोस्तों पुराने वाले स्थान पर। मैं अब वहाँ नहीं बैठता हूँ, मैं अपनी दुकान पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मैं उधर दुकान पर रह करके अपना दुकान भी देखता रहता हूँ। जो आए हुए हमारे दर्शक सब्सक्राइबर व्यूअर्स मरीज उनका भी वेलकम होता है। तो आपको मैं वीडियो बना रखा है दोस्तों, मैं दुकान की जो कि हमारी कॉलोनी है दुकान के आगे की, वहाँ पर जो उल्टी करने का उन्होंने प्रतिबंध लगा लिया। पहले मैं दुकान के आगे उल्टी कराता था, सब काम कराता था, वहीं टोने निकालता था, लेकिन उल्टी कराने के लिए मुझे यहाँ इस जंगल में आना पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ खुले खुले में आना पड़ता है, क्योंकि हमारे कॉलोनी के लोग हैं उन्हें उल्टियों से नफरत है, एक दूसरे को देख के उल्टी होती है, जो होता है वो होता है। उन्होंने मतलब मना कर दिया कॉलोनी के अंदर आप उल्टी वाला जो काम नहीं कराओगे, बाकी का काम मैं वहाँ करता हूँ। उल्टी के लिए किसी भी खेत में चला जाता हूँ खुला हुआ, जे नहीं कि अपना स्थान होना चाहिए दोस्तों, मेरा जे मर्जी नहीं है कि अपने स्थान पर निकालता हूँ। किसी खेत में बैठा दो वहीं आपके टोने निकल जाएंगे, होंगे तो, नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। ये हमारे यहाँ का सत्य है। और आपको शक है किसी प्रकार का, आप पता करना चाहते हैं अपने घर बैठे कि भाई हमारे पास कोई टोने तो नहीं दे दिए किसी ने, हमारे घर में किसी ने किया तो नहीं है, तो आपको हमारे इसी वाले वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, या हमारे पुराने वीडियो में देख लेना। तो एक हाथ फोटो ऐसे, एक हाथ ऐसे, इस तरीके से आप फोटो भेजेंगे, अपना फेस का भी आना चाहिए, हाथों का भी आना चाहिए, तो हम आपको बता देंगे क्या समस्या है, आपको हमारे पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसा था पहले, हमने ये पहचान बता दिया आपको, घर के घर ही बैठे आप पता कर सकते हैं। पहले क्या होता, हर लोग बहुत दूर से आते थे, गाड़ी बुक करके लेके आते, अपना समय ख़राब करते दो दो तीन तीन दिन का। तो हमने सोचा यार इनके टोने हैं नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर इलाज की ज़रूरत है, और जो हमारे पास आए इनका समय बेकार हुआ, पैसा भी बेकार हुआ। तो उसको देखते हुए हमने आपका समय और आपका पैसा दोनों ही हमने बचाया है आपका, और इस विधि का आप लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी, हर वीडियो में आपको नया सीखने को मिलेगा, या आपके पितृ अवत कोई भी प्रकार के किसी भी देवता हैं आपके रूठे हुए हैं, तो आप हमसे मिलिए, हम आपको पूजा विधि के माध्यम से आपके देवताओं को खुश करके आएंगे और पूजा में शामिल करके आएंगे, और आप घर बैठा के आएंगे। क्योंकि घर में होने वाली परेशानियाँ दोस्तों अवत पितरों के बिछड़ जाने से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, उनका भी एक लक्षण मैंने बता दिया, उनके वीडियो भी मैंने 3-4 बना दिए, आप उन वीडियो को देखिएगा। पितृ पक्ष आने वाला है दोस्तों, उससे एक महीने पहले ही हमारे घर के पितृ आउत संकेत देते हैं, उसके बारे में क्या आपकी राह है, पहचान है, वो आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपने देखा किस तरीके से उल्टी होती हैं। और सारा सामान अपने घर से लेकर आइएगा, काली मिर्च, लौंग, कपूर, छाछ, चलनी। कहीं दूर से हैं भाई तो आप छाछ लेकर के ना आए, क्योंकि छाछ बेकार हो जाती है, खट्टा हो जाता है, बेकार हो जाता है। और हमारे यहाँ मार्केट है, मार्केट में वैसे सब कुछ सामान अवेलेबल है, ठीक है। और आपके घर में किसी प्रकार का भूत बाधा है तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए, हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपकी। और घर बैठे भी आप चाहते हैं कि हम इलाज कर दें आपका, तो घर बैठे की हमने व्यवस्था निकाली है, सुविधा निकाली है, जो कि आप घर बैठे भी अब अपना हमारे चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो भैया आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बढ़िया है, सब लोग आओ यहाँ, जो अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर नहीं कर पा रहे तो आए यहाँ दिखाएँ। तो दोस्तों मैं सबसे यही कहूँगा कि आप पहले सबसे अच्छे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर पर अपनी जांच कराएं, इलाज कराएं, हॉस्पिटल भी जाएं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका दवाई भी कोई काम नहीं करता, जांच भी नॉर्मल आती है और आप थक गए दवा खाते खाते, तो भाई इसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं विश्वास नहीं करते इस चीज़ पर, वो विश्वास नहीं करते हैं, उनसे मैं एक बात और कहूँगा कि आप बढ़िया से बढ़िया इलाज कराइए, डॉक्टर पर जाइए, अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए लिखिए, लेकिन अपने घर के देवता पितर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको याद रखिएगा, उनको पूजा में लेते रहिएगा, क्योंकि हम उन्हीं के वजह से हम इस दुनिया में आए, जीवन है उन्हीं का दिया हुआ, और उन्हीं की संपत्ति दौलत पर हम राज कर रहे हैं। तो उनके लिए बस साल में एक बार दो बार पूजा तो बनती है यार, उनके बिछड़ जाने से आपको इतना बड़ा नुकसान मिल सकता है, इतनी परेशानी मिल सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और अपना किसी प्रकार का समस्या है और दवा काम नहीं कर रही है, तो एक बार किसी अपने नज़दीकी बाबा से मिल सकते हैं, पता कर सकते हैं, इसमें कोई यार खर्चा नहीं होता है। और बहुत भक्त लोग बैठे हुए हैं, सेवक हैं हम जैसे, तो कि आपकी सेवा में बैठे हुए हैं, कोई खर्चा भी नहीं लेते हैं आपसे, आपके घर में होने वाला क्या है, क्या हो रहा है, वो सही आपको रास्ता बताते हैं, और कुछ झाड़ा फूक भी करते हैं, तो वो कोई गलत नहीं करते हैं, और आपकी दवा भी काम करेगी, सब करेगी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, अपने रिश्तेदारों पर सब पर इस वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह पर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों हर घर में परेशानी है, और आपको इस वीडियो को शेयर करने से बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, और आपकी हेल्प से दोस्तों के आपके रिश्तेदारों का समस्या का समाधान होगा, आप जानते हैं कितना बड़ा पुण्य आप प्राप्त कर पाएंगे।
और वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। हमको सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे रोज़ाना वीडियो देखने को मिलते हैं। मैं 9 बजे के बाद रोज़ाना लाइव आता हूँ। लाइव के माध्यम से आप अपने घर की कोई भी समस्याओं के बारे में हमसे पता कर सकते हैं और हमारे पुराने वीडियो देखेंगे दोस्तों। पुराने वीडियो के जो स्थान बताया है, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे पुराने वाले स्थान पर ना आएँ, हमारा नया स्थान बताया है जो कि एड्रेस हमने लिखा है उस पर ही आएँ। विदा लेता हूँ आपसे, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।